वेलकम बैक। मैं डॉक्टर समीर शाह आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक बार मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे लेक्चर्स ऑन बायोलॉजी। मैं जानता हूँ आप चाहते हैं घर से पढ़ना, इसलिए आपके लिए मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स, मेरे ऑनलाइन वीडियोस आपके लिए, आपके बायोलॉजी के नॉलेज के लिए ज़रूर यूजफुल होंगे। मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको मेरे वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए वो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि डॉक्टर समीर शाह इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करके आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं और आपका बायोलॉजिकल नॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि नॉलेज प्राप्त हो रहा है, नॉलेज मिल रहा है, नॉलेज अपडेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, तो आप इसको शेयर भी करें। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी के नए सिलेबस के बुक पे। हम स्टेप बाय स्टेप सीरीज वाइज इसको अभी ई गाइडेंस के स्वरूप में लेने वाले हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन। यस, सही सुना आपने, रिप्रोडक्शन। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इट्स अ बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पूरे पृथ्वी पे ये बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक जानी जाती है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरे पृथ्वी पर के, पूरे दुनिया के, पूरे विश्व के जितने भी जीव है, बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े वेल, हाथी तक, बड़े से बड़े बनियान ट्री तक, जितने भी वेराइटीज है, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, वो सिर्फ तैयार हुई है रिप्रोडक्शन की वजह से। सो माय डियर फ्रेंड, रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, और स्पेशली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ 12 स्टैंडर्ड बायोलॉजी। अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारा डिस्कशन पॉइंट रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर ऑर्गेनिज्म, एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर ऑर्गेनिजम्स। स्पेशली विल डील विद द प्लांट्स, बिकॉज ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बॉटनी सेक्शन से बिलोंग करता है, इसलिए इस चैप्टर का टाइटल दिया हुआ है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, डेफिनेशन को अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द सिमिलर टाइप ऑफ लिविंग इज प्रोड्यूस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। इस पृथ्वी पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले से अस्तित्व में है, उसी के जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीव इस पृथ्वी पे है, उसी के द्वारा, उसी के जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होना, इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं चाहूंगा अगर आपके कोई डाउट्स भी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर भेजिए, ताकि मैं उन डाउट्स को देखूं और फिर जो डाउट्स मुझे ऐसा लगता है कि इन डाउट्स को मुझे सॉल्व कर देना चाहिए आपके, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर डाउट्स क्लियर हो, जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सके मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। डोंट वरी, मैं बायोलॉजी के वर्ड टू वर्ड, टेक्स्ट बुक के वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि आपको प्रिपेयर होना है नीट के लिए। तो नीट का एक स्पेशल सेशन हम लोग वो भी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके द्वारा किसी ऑलरेडी अस्तित्व में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसी के जैसा जीव तैयार होता है। अब हमने समझा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स से उसी के जैसा, दैट इज सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स तैयार होता है, पैदा होता है। इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच द सिमिलर काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग।
तो आइए अब ये जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने प्रकार से, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर, कितने प्रकार से वो अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अपने रिप्रोडक्शन के बारे में, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में, पर मोटा मोटी अगर हम लोग रिप्रोडक्शन को क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो हमें दो सबसे बड़े कैटेगरी दिखाई देगी। पहला कैटेगरी जो होगा वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, दूसरा जो है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्योंकि देखिए, प्लांट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स में होता है। अब हम लोग बॉटनी सेक्शन से, और हमारा प्लांट चैप्टर का नाम भी प्लांट्स से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग अब प्लांट्स के एग्जांपल्स देंगे, एनिमल्स के एग्जांपल बहुत कम देंगे या ना के बराबर देंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए अब ये समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें एक ही बॉडी, एक ही पेरेंट से नया जीव तैयार होता है, नया ऑर्गेनिज्म, नया सिमिलर ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। मतलब इसमें दो अलग अलग पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, या दो अलग अलग सेक्सेस की जरूरत नहीं पड़ती, दो अलग अलग पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें किसी भी एक जीव या उसके बॉडी से रिप्रोडक्शन हो जाता है, नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है, उसकी प्रोजेनीज तैयार हो जाती है। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग अगर जाने तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कंपल्सरी होता है, ये मैंडेटरी होता है, ये नेसेसरी होता है कि मेल और फीमेल हो, मेल बॉडी हो, फीमेल बॉडी हो, मेल ऑर्गेनिज्म हो, फीमेल ऑर्गेनिज्म हो, मेल स्ट्रक्चर हो, मेल ऑर्गन हो, मेल सिस्टम हो, फीमेल ऑर्गेनिज्म हो, फीमेल ऑर्गन हो, फीमेल सिस्टम हो, ये कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गमिट और फीमेल गमिट तैयार होते हैं, मेल गमिट और फीमेल गमिट तैयार होते हैं। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमिट्स तैयार ही नहीं होते, गमिट्स का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वहां पे एक ही बॉडी से एक विशिष्ट प्रकार से, एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी से वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल सिस्टम, मेल बॉडी या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, वो एक हैप्लॉइड सेल तैयार करता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जो जनरेटिव सेल होती है रिप्रोडक्शन के लिए, उसी को हैप्लॉइड सेल को बोला जाता है, मेल गमिट। और फीमेल की तरफ से जो इस तरह की जनरेटिव सेल तैयार होती है, जो कि हैप्लॉइड होती है, उसको बोला जाता है फीमेल गमिट। ये मेल गमिट और फीमेल गमिट दोनों हैप्लॉइड सेल्स होती है, और ये जब मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली तैयार, उनके द्वारा तैयार हो जाती है, तो ये दोनों सेल्स जो होती है ये स्पीसीज वाइज कंपैटिबल होती है। नहीं समझे? ये स्पीसीज वाइज कंपैटिबल होती है। इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे मान के चलिए ये बॉटल मेरे पास है, और इस बॉटल का ये है ढक्कन, और ये मेल गमिट है, ये फीमेल गमिट है, और ये जो इसका डॉट है, ये जो इसका लीड है, ये बिल्कुल इसी को फिट होगा। अगर मैं किसी और दूसरे डब्बे का, और किसी बड़े डब्बे का या छोटे डब्बे का या किसी और डिब्बे का अगर लीड लेकर आऊं और इसको लगाने की कोशिश करूं तो नहीं लगेगा। तो ये वैसा ही होता है, इसको बोलते हैं कंपेटेबिलिटी। तो एक मेल गमिट, एक पर्टिकुलर स्पीसीज का मेल गमिट, ये उसी पर्टिकुलर स्पीसीज के फीमेल गमिट के साथ कंपैटिबल होता है, और दोनों एक मेक के साथ एक पर्टिकुलर स्टेप में फ्यूज होते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और जब इनका फ्यूजन होता है तो इससे एक डिप्लॉइड सेल तैयार होती है, जिसको जायगोट बोला जाता है। और ये जायगोट नई लाइफ के, न्यू लाइफ के, न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीवन की पहली सेल होती है, फर्स्ट सेल होती है दोस्तों।
सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गमीट्स जो कि हैप्लॉइड होते हैं ये तैयार होते हैं रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द मेल एंड फीमेल बॉडीज एंड मेल एंड फीमेल सिस्टम्स एंड मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। और ये हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गमीट्स जो है ये कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन इसका होता है और इससे जाइगोट तैयार होता है जो कि डिप्लॉयड होता है और न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म के, न्यू प्रोजेनी के, न्यू इंडिविजुअल के जीवन का पहला सेल होता है। और फिर इस सेल में फर्दर माइटोसिस, कौन सा माइटोसिस नाम का जो सेल डिवीजन होता है उस सेल डिवीजन से इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिर ग्रोथ होने लगती है, फर्दर डेवलपमेंट होने लगती है। एक सेल से मतलब जायगोट से दो सेल्स तैयार हो जाती है, दोनों सेल का जेनेटिक मटेरियल सिमिलर होता है, ये इसको हम लोग माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। बट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली स्टेप दैट इज गमिटोजेनेसिस, गमिट तैयार होने की जो प्रक्रिया होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि मेल में मेल गमिट और फीमेल में फीमेल गमिट तैयार होता है, तो मेल गमिट और फीमेल गमिट तैयार होने की जो प्रक्रिया होती है उसके शरीर में जो ये सेल, जो सेल इसकी जिम्मेदारी लेती है, जो सेल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, वो स्पोरोजिनस सेल्स या जनरेटिव सेल्स इस तरीके से उसको बुलाया जा सकता है। और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में फिर माइटोसिस ना होके मियोसिस नाम का मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस ये एक रिडक्शन टाइप ऑफ डिवीजन होता है जिसमें एक डिप्लॉइड सेल चार हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट होती है और ये एक गमिट होता है। किसमें? एक गमिट होता है, इसको मेल गमिट या फीमेल गमिट बोलते हैं हम लोग। ये हैप्लॉइड होती है और जब इनका फ्यूजन हो जाता है तो जायगोट जब तैयार हो जाता है तो जायगोट ये डिप्लॉइड सेल, अब इसमें एक सेल की दो सेल हो जाती है, दो से फिर चार सेल हो जाती है, चार से फिर आठ सेल हो जाती है और आठ से इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होते 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 आगे पूरा कंप्लीट बॉडी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलप हो जाता है। ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, माय डियर फ्रेंड्स। सो प्लांट में भी, हायर प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट में भी हम लोग ये देखेंगे कि हायर प्लांट में फ्लावर नाम का स्ट्रक्चर डेवलप होता है फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। और फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स सिस्टम अलग होती है, फीमेल सेक्स सिस्टम अलग होती है। एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उन्हीं के द्वारा मेल गमिट और फीमेल गमिट तैयार होते हैं रिस्पेक्टिवली और बाद में फर्टिलाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि प्लांट के जो गमिट्स होते हैं वो मोटाइल नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह चलकर नहीं जा सकते, वही एनिमल्स के केस में वो एक जगह से दूसरी जगह चलकर जा सकते हैं, इसलिए उनमें पॉलिनेशन की जरूरत नहीं होती। प्लांट के केस में पॉलिनेशन की जरूरत होती है, तो प्लांट में पॉलिनेशन होता है, मतलब पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल प्लांट्स आर कैरीड विद अ पर्टिकुलर एजेंसी एंड डिपॉजिटेड ऑन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक्सट्रीमली सॉरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फीमेल इंडिविजुअल। और फिर उस तरह से आगे फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट तैयार होता है। जायगोट के बाद फिर पूरा बॉडी कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट उसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक के अंतर्गत सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। मतलब जायगोट से कंप्लीट बॉडी फॉर्म होना, इसको एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक समराइज बात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हम लोगों ने यही बात की कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं भी सेक्स सेल्स मतलब कहीं पे भी गमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बॉडी के किसी भी पार्ट से हो सकता है। फॉर एग्जांपल बॉडी के रूट से हो सकता है, मतलब प्लांट के रूट से हो सकता है, प्लांट के स्टेम से हो सकता है, प्लांट के लीव से हो सकता है ना, ब्रांचेस से हो सकता है, प्लांट के किसी भी पार्ट से हो सकता है। और
ये सारे पार्ट रिप्रोडक्शन के लिए चाहे हो या ना हो, पर उससे अगर ये तैयार होता है तो इसको इसको इस प्रोसेस को, इस पैटर्न को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सही सुना आपने, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोला जाता है। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पैटर्न द्वारा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स तैयार होते हैं, उनके सारे के सारे प्रोजेनीज को क्लोन्स बोला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या बोला जाता है? क्लोन्स बोला जाता है, क्लोन्स। और इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि इनके सभी का जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, दे आर आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल, उनमें कोई वेरिएशंस नहीं होते। पर यही बात, जब एक लिविंग, एक पर्टिकुलर टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब फॉर एग्जाम्पल विल टेक एग्जाम्पल ऑफ कैट। सो कैट रिप्रोड्यूस, कैट प्रोड्यूसेस डजन्स ऑफ किटन्स एंड डजन्स ऑफ किटन्स। ए डॉग प्रोड्यूसेस डजन्स ऑफ पपीज, ए पिग प्रोड्यूसेस डजन्स ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड ऑल दीज इंडिविजुअल्स, ऑल दोज इंडिविजुअल्स आर नॉट आइडेंटिकल। दे मे सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, बिकॉज देयर जेनेटिक मटेरियल इज वेरी, वो सिमिलर नहीं होते। पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे इंडिविजुअल जितने भी है, जितने भी प्रोजेनिज है, वो सिमिलर होते हैं। तो ये रहा पूरा डिस्कशन अबाउट असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज यू कैन कॉल्ड इट एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस हम लोगों ने आज समझा।